जहां गंभीरी नदी की बाढ़ से चारों तरफ पानी भर गया है पूरे आश्रय स्थल के अंदर। वहां मौजूद गोवंश टीन सेट के नीचे जिसी तरीके से खड़े हैं। कटिहारी क्षेत्र की गंगा रामगंगा के बाद गंभीरी नदी का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। 2010-11 के बाद करीब एक दशक बाद आई क्षेत्र में भयंकर बाढ़ का नज़ारा आप देख सकते हो कि क्या हालात पैदा हो गए हैं। क्षेत्र भारी बाढ़ से किसानों की फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तमाम फसलें डूब चुकी हैं। यहां तक कि हम आपको बताना चाहेंगे कि गंभीरी नदी के किनारे पशु आश्रय स्थल बना है, टिगिया घटवासा के नाम से पशु आश्रय स्थल है, जहां के मवेशी पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। SCB न्यूज़ से कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी यादव। ये पशु आश्रय स्थल टिलिया घटवासा है, जहां गंभीरी नदी की बाढ़ से चारों तरफ पानी भर गया है पूरे आश्रय स्थल के अंदर। वहां मौजूद गोवंश टीन सेट के नीचे जिसी तरीके से खड़े हैं, इन जानवरों को चारा पानी भी शायद नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। पानी भरा हुआ है, जानवरों को निकलने घूमने तक की कोई जगह नहीं बची है। यह अस्थाई पशु आश्रय स्थल ग्राम पंचायत टिलिया घटवासा का है, इसके अंदर काफ़ी पानी भर गया है, जहां पर जानवरों को खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची है। तीन सेट के नीचे जानवर मौजूद हैं। हमारे साथ यहां ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद हैं, वो इस बारे में बताएंगे क्या इनके प्रश्नों के लिए प्रबंध की व्यवस्था की जाएगी। आइए दुआ सिंह जी, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सुभाष सिंह जी हैं, आप हैं यहाँ पंचायत सचिव लेट वाला। कब पानी आया है? अभी 5 घंटे पहले। 1 घंटे पहले क्या प्रबंध किया जा रहा है इसके लिए? इनको शिफ्टिंग करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, कहाँ शिफ्ट करेंगे? अब अधिकारियों से बात हो रही है, उनका जैसा निर्देश होगा। ये ग्राम प्रधान जी महेश यादव जी, क्या व्यवस्था की गई इन पशुओं के लिए? इनके लिए दूसरे के व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, चारे पानी की क्या बंदोबस्त है? चारों पानी की व्यवस्था है, भूसा व्यवस्था है, दाना की व्यवस्था है। भूसा वगैरह भेजा तो नहीं? नहीं, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। कितने मवेशी हैं? 113 आज नहीं 28 हैं, 28। गंभीरी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण ये पशु आश्रय स्थल के अंदर काफ़ी पानी भर गया है। यहाँ करीब 127 पशु पंजीकृत हैं, जो 2-3 सेटों के अंदर मौजूद हैं। हालांकि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि अधिकारियों से बातचीत कर दूसरे स्थानों पर सुरक्षित स्थानों के लिए इन मवेशियों को शिफ्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। गंभीरी नदी की बाढ़ से कई किसानों की तमाम फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। हमारे साथ एक काश्तकार भी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा है मंगत राम। कौन गाँव रहते हैं? पलिया। पलिया, क्या इस बाढ़ से क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारा वह जिंदरी थी, 4 बीघा चली गई है, पूरी तरह से डूब गई है नदी में। तरीके से नदी में डूब गई है, इसलिए इनको पशुओं के चारे के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो गई। गंभीरी नदी की बाढ़ से अस्थाई पशु आश्रय स्थल टिलिया घटवासा पूरी तरीके से डूब गया है। वहां मौजूद 127 पशुओं को दूसरी जगह शिफ्टिंग के लिए तैयारी की जा रही है। मौके पर ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी भी मौजूद हैं। ये यहाँ के हालात से आपको मैंने रूबरू कराया है। दोस्तों जुड़े रहिए SCB न्यूज़ के साथ, बाढ़ से संबंधित और भी खबरों के साथ आपको